अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कुकॉइन के बोट के अंदर से प्रॉफिट वगैरह गेन कर सकते हैं। बेसिकली मैंने बोट लगाना है, एक बोट, खुद ही का बोट। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने किसी का बोट कॉपी किया है या कुछ भी। मैंने बेशक यूँ समझें कि मैंने सिर्फ 4-5 वीडियोज़ देखी हैं, सिंपल आपको बात कर रहा हूँ। मैंने वीडियोज़ देखी हैं, मुझे नॉलेज गेन हुआ है वीडियोस के साथ साथ, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कुछ कुछ एक्सपीरियंस के साथ। मैं ना स्पॉट ग्रिड की बात कर रहा हूँ अभी। मैं बेसिकली तीन मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल। यहाँ पे जाके मैंने एनालाइज किया है, ये मैं कह रहा हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं कह रहा, मैं बिगिनर कह रहा हूँ, या आप जैसा मर्जी समझ लें। मैं आपको सिंपली एक रिव्यू दे रहा हूँ भाई। हाई और लो मुझे पता है, ग्रिड्स मुझे पता है लगभग 27 करनी होंगी मुझे शायद, बस मुझे पता है 30 ग्रेड्स लगानी है, 0.01 का डिफरेंस रखना है। तो सबसे लोएस्ट पॉइंट जहाँ तक सेल और बाय होता रहे वो 3.30 सेंट है, और जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो 60 सेंट है। और मेरी मिनिमम जो प्रो ट्रेड लगेगी, मिनिमम वो लगेगी जी 16 डॉलर की, सिंपल एग्जैक्ट। मैंने ओके करके ये कर देना है। मैंने बेसिकली बोर्ड बनाया हुआ है, ये आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे करनी है। अगर आप चाहें तो ये देख लें, यहाँ पे ऑटो भी है, यहाँ पे AI बोर्ड भी है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। लेकिन मैंने खैर आपको एक ओ दे दिया। अब मैं आ गया जी किसके ऊपर, इथेरियम के ऊपर। मैंने यहाँ पे एनालाइज किया हुआ है, मैंने कहा भाई 20,000 सबसे नीचे तक जा सकता है, ये 20,000 नीचे गिर सकता है, और 40,000 पे बस भाई मैं प्रॉफिट ले लेता हूँ। मुझे कोई वो नहीं है, पैनिक होने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देख लें, ये यहाँ पे 30 डॉलर, राउंड अबाउट 30 डॉलर का ये होगा, 25। ये देखें, अगर तो देखें, मैं एक बात कर रहा हूँ आपको, देखें 25 मिनिमम है, तो आप उसके लिहाज से देख लें कि मिनिमम कहाँ तक रहता है ये 25, ठीक है, कि मिनिमम आप 68 या जैसे भी है। ये देखें ना, मैंने तो सिंपल एक चीज़ के जरिए लगाना है कि ये देख लें, प्रॉफिट नहीं देख रहा मैं, देख रहा हूँ कि टाइम इंटरवल 30 डॉलर के ऊपर नीचे आने पे तीर मुझे प्रॉफिट देगा, और 25 मिनिमम आप डॉलर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको तीन मोड्स का बताया था, तीरियम हो गया, सोलाना हो गया, इसके अलावा सॉरी सोलाना नहीं हुआ, अड्डा हो गया। सोलाना पे क्या हूँ मैं, मैंने यहाँ पे कुछ देखा, मेरी एनालिसिस या जो मैंने नॉलेज गेन किया है, इसका लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट, यानी गिरेगा सोलाना, गिर सकता है तो कहाँ तक गिर सकता है, 80 डॉलर तक गिर सकता है। इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आप समझ लें, मैं कह नहीं रहा कि वो पक्की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसी तरीके से मैं हाईएस्ट पॉइंट लगा लेता हूँ जी, 200 तक गया था, 200 तक कर लेते हैं जनाब। और जी और क्या करना है, सिंपल ट्रेड। अब देखिए मैं ये कम क्यों कर रहा हूँ, ताकि इसे जो है इस पॉइंट पे ले आऊँ, 5 डॉलर के डिफरेंस पे सेल बाय होगा, 5 डॉलर ऊपर जाएगा तो सेल कर देगा, नीचे जाएगा तो प्रॉफिट गेन कर लेगा, और 40 डॉलर राउंड अबाउट यहाँ पे हमने वो करने हैं, क्या करने हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ आपके पास बोर्ड के पास, मेरे तीन बोर्ड्स लगे हुए हैं, तीन बोर्ड्स हैं ये। पहला अड्डे अड्डे का है, अड्डा, ठीक, इसमें आप देख लें 0.30 से 0.60 के बीच की रेंज लगी है, 3 घंटे और 40 मिनट हो गए हैं, और तकरीबन सबको 3 घंटे और 40 मिनट हुए हैं, कुछ प्रॉफिट दिखा रहा है। एक वो कह रहे हैं जी आपको जो है एक ग्रिड के ऊपर प्रॉफिट आ गया, यहाँ पे दो ग्रिड्स मेरी प्रॉफिट में गई हैं, और 2,000 से 4,000 तक मैंने ये बोट लगाया, 2,000 से 4,000 के बीच के अंदर ये सेल बाय करेगा। और इसी तरीके से 80 से 200, मैं अब आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये देख ले, 80 पे खरीदने को तैयार है, 85 पे, 90 पे, 95 पे, 100, 105, 110, 115, 120, 125 और 130। अगर 130 पे अभी ये चला गया है, प्राइस प्राइस जाता है 130 पे, तो ये बाय कर लेगा। सेल कितने पे करेगा, 135 पे। खैर अभी देखें, ये सेल करने को तैयार है, 140, 145, 50, यानी 5 का डिफरेंस रखा हुआ है। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, अब देख लें सोलाना का आपको 5 का डिफरेंस दिया हुआ है। इसी तरीके से जब मैं इथेरियम में जाता हूँ, एथेरियम में भी जो है ना वो अप राउंड अबाउट 30 डॉलर का था, राउंड अबाउट 30 डॉलर था, तो ये 30 डॉलर के हिसाब से ट्रेड्स लगी हुई हैं, खरीदने को तैयार हूँ और बेचने को तैयार हूँ। इसी तरीके से अड्डा की बात कर लेते हैं, अड्डा की बात करें हम यहाँ पे जाते हैं, वो देख लें, सिंपल एक एक सेंट का फर्क मैंने रखा था, 30 फिर 31 2 3 4 5 6 7, मतलब ये कि 1 सेंट के ऊपर प्रॉफिट और लॉस आएगा। अब बेसिकली ये डिफरेंस मैंने किस हिसाब से रखा है, मैंने एक बोट आपको शायद याद ना हो या शायद आपको पता ही ना हो, मैंने वीडियोस वगैरह डिलीट किए हैं तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। ये मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि इतने डिफरेंस पे आपने 5-5 डॉलर के खरीदते जाने हैं और फिर सेल कर देने हैं, ओके, मैंने ये बात कही थी आपको।
अब मैं इसके ऊपर अमल कर रहा हूँ। एथेरियम के ऊपर $30 का मैंने बोर्ड लगाया, $30 के डिफरेंस पे सेल बाय करेगा। सोलाना का मैंने अभी बोर्ड लगाया, $5 के ऊपर सेल बाय करेगा, $5 के ऊपर नीचे जाएगा। अड्डा का मैंने लगाया 0.01 USDT के फ्लक्चुएशन पे, जो है ना वो हमें टेक प्रॉफिट और लॉस देगा। अब देखें बेसिकली जो मेरा जो पूरा 100, यूँ समझें कि $80 है ना, $80 वो डिवाइड हो गया है 3 पार्ट्स में। हर एक को 26 नहीं मिला, एक को 40 मिला, एक को 25 मिला, एक को 19, नहीं राउंड अबाउट 25, मेरे इतने इतने मेरे इन्वेस्ट हो गए हैं तीन तीन जगह पे, 40, 40 के पास 25, और यूँ समझे आप 20, 85 जो डॉलर हैं वो ऐसे मेरे लग गए हैं आराम से। मैं टेंशन नहीं लूँगा, क्यों अब देखें मुझे तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। यही वाली चीज़ है। अब जो कि ये मैं बोट बना रहा हूँ तो इसका मैं एक अलहदा नोट पैड बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि भाई हमने जी इतनी ट्रेड सक्सेसफुल की है, सोलाना के ऊपर लगाया था, इतने पे खरीदा था, इतने पे बेचा था, इतने ग्रेड्स हुई थी सक्सेसफुल, और इतने टाइम में मुझे प्रॉफिट मिला है। सिंपल मैंने वो करके कर देना। अब जी अब यहाँ पे बात आती है कि भाई ये तो बोर्ड चलता रहेगा लेकिन प्रॉफिट हमने कहाँ पे गेन करना है, प्रॉफिट कैसे गेन करना है। एक तो लॉन्ग टर्म अगर आप कर रहे हैं तो फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिर वेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं कर रहे तो सिंपल सी बात है, सिंपल बात है, कोई ज़्यादा वो पैनिक होने वाली या कोई ऐसी वैसी सिचुएशन नहीं है। हर एक बोट को ऊपर आपने एक एस्टिमेट लगा लेना है, यानी एक बोट है ना, अब ये अड्डा का बोट है, इसके ऊपर हमने कह देना है जी 5% प्रॉफिट हुआ मैं बाहर निकल जाऊंगा। एथेरियम पे कह देना है जी 5% प्रॉफिट हुआ मैं बाहर निकल जाऊंगा। जी सोलाना पे कह देना है 5% प्रॉफिट हुआ मैं बाहर निकल जाऊंगा। अब वो जितने मर्जी डेज में हो, मेरी इन्वेस्टमेंट कम है तो मुझे प्रॉफिट भी कम मिलेगा, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट मिलेगा। यानी वही चीज़ बेसिकली, एक ट्रेडर, एक ऐसा ट्रेडर जो चाहता है कि कुछ भी ना करूं और फिर भी मुनाफा हो जाए, उसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए और पेशेंट चाहिए, सब्र चाहिए, और इसके साथ साथ उसे थोड़ी नॉलेज चाहिए इस पूरी मार्केट के बारे में। मैं बाइनेंस के ऊपर पता क्यों लेके जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो सा है वो मैंने टूल्स के जरिए एनालाइज यूँ समझो किया हुआ है। मैं थीरियम की बात करता हूँ आपके सामने, देखें मेरे पास एक रेंज सेट है, ये देखें अगर आप देखें तो हाईएस्ट पीक ये 4,000 ही है, लोएस्ट जो है अभी जो लोएस्ट चल रही है वो राउंड अबाउट यहां तक गई है, लेकिन एक मैंने नीचे रेंज सेट की हुई है, ये वाली रेंज मैंने जो सेट की है 1 डे के हिसाब से, इससे भी नीचे मैंने प्राइस रखा है 2,000 पे, कि 2,000 पे ये जा सकता है हमारे पास इथेरियम आसानी से, ठीक है। तो मैंने इस लिहाज से एनालाइज करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नीचे नीचे करके मैंने ये रखा है। मैं अब अड्डा की बात कर लूँगा आपके सामने, जो लोएस्ट पॉइंट है इसका ये देख लें, अगर आप लोएस्ट पॉइंट की तरफ भी जाते हैं राउंड अबाउट तो वो 25 है, लेकिन मैंने यहाँ पे करके लगाया है 30, या यूँ समझे कि इस रेजिस्टेंस पे, और जो प्रॉफिट है वो भी तो फिर मैंने यहाँ पे 60 राउंड अबाउट, इस ये वाली जो सी नहीं है ये एक देखें, अगर आप इस स्विंग पे लगाया, यानी कि अगर यहाँ से बढ़ के इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जब ये ऊपर जाएगी ना, यहाँ पे करके वो 60 सेंट पे जाके, और मैं जो सा है वहाँ पे टोटली भी मैं क्लोज कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, लेकिन मैंने ज़्यादा वेट नहीं करना, 5% प्रॉफिट हुआ मैं बाहर निकल आऊँगा। सोलाना की बात कर लेते हैं, सोलाना की बात करते हैं भाई, सोलाना का तो सिस्टम तो क्लियर है मेरे सामने, तो ये देख लें यहाँ पे मैंने ज्यादा तो नहीं किया, लेकिन मैं आपको फिर भी एक राउंड अबाउट कह देता हूँ। इसकी जो उनकी लोएस्ट अभी है वो 90 100 पे जा रही है, अगर इससे नीचे चला जाऊं, मैं भाई मुश्किल से मुश्किल हालात की बात कर रहा हूँ, $80, ये देखें 40% लॉस वो कह रहे हैं अभी मार्केट के हिसाब से, 40% लॉस अगर होता है तो मेरे पास वहां पे मैं खरीदता रहूंगा, मुझे पैनिक होने की कोई जरूरत ही नहीं, सिंपल। अब ये चीज़ें मुझे आपको कहने का क्या मकसद है या मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, बेसिकली यहाँ पे ना मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। अब ये मैंने आपको बता दिया है कि जी यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, अगर इसके ऊपर रहेगा तो मुझे प्रॉफिट दिखता रहेगा, अगर जी इसके ऊपर रहेगा तो मुझे प्रॉफिट दिखता रहेगा, इस चीज़ के ऊपर दिखता रहेगा तो मुझे प्रॉफिट दिखता है। बेसिकली मैंने आपको क्या बताना है कि हो सकता है कि मैं आपको ना अगली वीडियो में ना बताऊं, लेकिन मैं इसके स्क्रीनशॉट लेके आपको बता दूंगा कि भाई ये जो सी है मेरी सक्सेसफुल हुई थी और मुझे प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। अब देखें पैनिक होने की बात नहीं है, आपने टेंशन फ्री होके अब ये लगा के मैं कहता हूँ जी 5 दिन के बाद आपने खोलना है अपना दोबारा से ये अकाउंट, आप हर रोज तो खोलते रहें, लेकिन वैसे कह रहा हूँ अगर बोर्ड मेरा कोई फॉलो कर रहा है, सिंपल आपने जाना है यहाँ पे और इस बोर्ड को बस ऐसे करके देखना है एक नज़र, चलो इधर नहीं जाना आप अंदर चले जाते हैं, ज़्यादा नहीं देखना, दिन में एक दफ़ा खोल के देख लें मेरी तरफ से, या आप क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हैं, आप स्मॉल टर्म में अपना प्रॉफिट लेके बाहर जाना चाहते हैं, आप जाएं अपने दूसरे अकाउंट में, हमारे पास ट्रेडिंग व्यू भी है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी आप कर सकते हैं, आपने बस यहाँ पे जाना है, इन सबको देख लेना, देखें जो आपके प्राइस रेंज में आते हैं, यानी जो आपके हाईएस्ट पीक में है जिसके ऊपर आपने किया है। देखो मैंने किया हुआ है जी सोलाना पे, मैं लेके चलता हूँ आपको, ये मैंने किया है एथेरियम के ऊपर, अड्डा के ऊपर, और किया है जनाब सोलाना के ऊपर, मैंने जाना है एथेरियम के ऊपर जी जनाब, 24 घंटे का देख लेना है जी, हाईएस्ट कहाँ तक गया है, लोएस्ट कहाँ तक गया है, ठीक है।
ये देख लेना है, यानी खुद को देना है कि देखो 46 पे क्या हुआ था और 42 इन दोनों के बीच में था। हमारे लिए तो वही है ना कि 41 पे बाय करेगा, 42 पे, 43, 44, 45, 46, 7, 8, so on, ठीक है। हमारे सामने ये आ गया। सोलाना पे चले गए, सोलाना की प्राइस रेंज वो कहते हैं जी 120 से 140 के आसपास चल रहा है ये। अब बेस्ट हो गया, वेल डन, कोई मसला नहीं। हमें बस ये 24 घंटे का आपने ग्राफ देख लेना है एक नज़र, बस हल्का सा ये अगर आपने देखना है ना तो ये देख लेना है बस, आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, जाके बस एक दफ़ा खोल लेना है। और देखें, आपने बेचना नहीं है, मैं पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर किसी ने मेरा बोट अप्लाई करना है ना, लॉस पे कभी नहीं बेचना, लॉस पे कभी भी इस बोट को बंद नहीं करना, ठीक है ना, लॉस पे कभी बंद नहीं करना जब तक इस प्राइस रेंज के अंदर है ना तब तक। और हो सके तो शायद आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ जाए, आपने टोटल पोर्टफोलियो तो करना नहीं है, $20 to $30 आप अभी ट्रेड करेंगे, फिर सपोज डैट के इन रेंज से बाहर हो जाता है तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे अगर जाएँ आप ट्रेडिंग अंदर इसकी सेटिंग में चले जाएं, यहाँ पे आप अपनी प्राइस रेंज दोबारा से सेट कर सकते हैं, वो सेट करके दोबारा से बोर्ड चालू कर दें। लेकिन ये याद रखिएगा कि बेचना आपने जो उनसे लॉस में नहीं बेचना, बस अपने जेन में ये चीज़, प्रॉफिट में जाना है, मैंने इस मार्केट से प्रॉफिट में जाना है, 10 साल पड़ा रहे मुझे कोई टेंशन नहीं। अब देखें, मुझे कोई टेंशन ही नहीं इन पैसों की, अब यहाँ पे लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ ये मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत सा। बेसिकली आप इस तरीके से देखिए, 7 डेज से मुझे लॉस हो रहा है, 90 डेज के हिसाब से मेरा सिर्फ $1 का प्रॉफिट है। मैं एक बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फ़ौरन निकाला, मैंने कहा चलो ख़त्म कर देते हैं और भी बाय हो गया। मैं 90 डेज के मुताबिक मैं $1 के प्रॉफिट में हूँ, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप अगर यही चीज़ देखते रहेंगे बार बार तो आप पैनिक होंगे। ये देख लें, कुछ मैंने ट्रेड जो है वो लॉस में भी किए हैं और कुछ मैंने प्रॉफिट में किए हैं। लॉस में करने का ये था कि मैंने कुछ बिला वजह लगा लिए थे, तो कुछ ऐसी बस अप्लाई करके देखने के लिए, तो मैंने कहा उन्हें इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करके आया तो लॉस हुआ पड़ा था, तो लॉस बंद करके और मैं ये हो गया। अब मैं आपको लॉस भी दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे हमेशा आपको ग्रीन नहीं दिखेगा, ये जैसे दिख रहा है ना ग्रीन, मार्केट नीचे भी गई होती है, आपको लॉस भी दिखता है। पैनिक होके बेचना नहीं है, इसे तब तक ऑन रखना है जब तक आपकी कैपेसिटी है। देखें, मुझे इन पैसों की परवाह नहीं है, अगर मैं ना इस ऐप को भी डिलीट कर दूँ ना, मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और ऐसा ही हमें कर लेना चाहिए, मैं वैसे कह रहा हूँ, बस एक नज़र थोड़ा सा देखना है। ये वो पैसे हैं जिनको आपको परवाह नहीं है, मुझे भी परवाह नहीं है, ऐसे अन्य माँ मैंने लगा दिए, अब देखते हैं कि क्या होता है। एनालाइज करके आपको कॉन्सेप्ट बताया और ये प्रॉफिट और मैंने लॉस दिखा दिया, यहाँ पे आपको कुछ भी हो सकता है भाई, कभी भी मार्केट इधर उधर हो सकती है, तो हमने पैनिक नहीं होना, सिंपल रहना है। मैं बेसिकली आपको मैंने 3 बोर्ड के बारे में बताया, अड्डा, सोलाना और एथेरियम के, इनकी प्राइस रेंजेस के बारे में बताया, और ये है कुकॉइन के ऊपर बोर्ड। आप किसी और एक्सचेंज के ऊपर भी ये वाला बोर्ड वैसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुकॉइन जो है वो मैं प्रेफर करता हूँ, रेफर करता हूँ कि भाई बोर्ड के लिए बहुत अच्छा है। अगली वीडियो में आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।